हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने SBI बैंक में RD ओपन करवा रखी है तो उस RD का स्टेटमेंट आप किस तरह से SBI की जो योनो ऐप है उस योनो ऐप के द्वारा आप अपनी RD का स्टेटमेंट किस तरह से डाउनलोड करके और उसे देख सकते हो कि मेरे अकाउंट में अब तक RD के द्वारा कितने रुपए डिपॉजिट हुए हैं, मेरी जो RD में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी कितने रुपए मेरे को इसमें इंटरेस्ट मिल रहा है, और जो मेरी RD की जो मैच्योरिटी डेट है यानी मेरी जो RD कब परिपक्व होगी वो आप किस तरह से देख सकते हो। तो अगर आपने भी SBI बैंक में RD ओपन करवा रखी है और अगर आप भी ये डिटेलमेंट चेक करना चाहते हो अपने मोबाइल फोन के द्वारा, तो आप इसी मैटर से रिलेटेड मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप इसके बारे में समझ पाओगे। तो इसके लिए आप बने रहिए अपने YouTube चैनल टेक यादव के साथ। आपको दोस्तों अपनी RD का स्टेटमेंट चेक करने के लिए आपने जो SBI योनो ऐप अगर आपके फोन में इंस्टॉल है, अगर नहीं है तो आप SBI योनो ऐप को जो है इंस्टॉल कर ले और उसके द्वारा आप बड़ी ही आसानी से अपनी RD का स्टेटमेंट चेक कर सकते हो। अभी मैंने SBI योनो ऐप पहले से ही फोन में इंस्टॉल कर रखी है, तो मैं SBI योनो ऐप को ओपन करके और उसी के द्वारा जो मेरी RD का स्टेटमेंट है वो मैं चेक कर लूँगा। तो आप जैसे मैंने SBI योनो ऐप को ओपन कर लिया है, ओपन करने के बाद आप MPIN या फिर यूजर ID जिस तरीके से भी इसको खोलना चाहते हो इसको ओपन कर सकते हो। जैसे ही ओपन करूंगा मैं SBI योनो ऐप को, जैसे ही आप भी ओपन करोगे तो इस तरह का एक पेज आपके सामने खुल के शो हो जाएगा। इस पेज के द्वारा आप और भी अकाउंट से रिलेटेड आप कोई भी इंफॉर्मेशन चेक करना चाहते हो तो इसमें कई ऑप्शन है, वो ऑप्शन पे जाके आप क्लिक करके और अपनी अकाउंट से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन आप बड़ी ही आसानी से SBI योनो ऐप के द्वारा चेक कर सकते हो। अभी मेरे को RD का डिटेलमेंट चेक करना है, तो इसके लिए इसमें एक माई डिपॉजिट का जो ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप माई डिपॉजिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आप देख सकते हो कि माई डिपॉजिट के नीचे कई ऑप्शन है जैसे फिक्स डिपॉजिट और RD। तो मेरे को तो अपनी RD का स्टेटमेंट चेक करना है, तो RD का स्टेटमेंट चेक करने के लिए मेरे को जो RD वाला ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि आपकी जो RD का अकाउंट नंबर है वो आपको शो हो जाएगा। अभी आपका कितने रुपए RD में डिपॉजिट हुआ है वो आपका शो हो जाएगा और आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है क्या है वो आपकी शो हो जाएगा। अभी अगर मेरे को इससे रिलेटेड और पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं जो ये ऑप्शन है इसके ऊपर मेरे को क्लिक कर दूंगा। क्लिक करते ही आप देख सकते हो कि आपकी RD से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपने कितने रुपए की RD है, इसमें जो बैंक है कितने रुपए आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, आपकी RD जो ओपन हुई थी वो डेट आपकी क्या है, आपकी RD जो मैच्योर होगी वो डेट कब मैच्योर होगी, इसके बाद में आपका जो इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट यानी टोटल जितने रुपए आपके डिपॉजिट होंगे वो आपके कितने रुपए होंगे, इसके बाद में जब आपकी RD मतलब पूरी हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, तो उस समय आपको जो पैसे मिलेंगे वो आपको कितने रुपए मिलेंगे। तो इस तरह से आपको इस पेज के द्वारा, इस पेज के ऊपर आपको पूरी डिटेलमेंट जो है अपनी RD अकाउंट से रिलेटेड फुल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आपके मन में जितने भी शंका या कोई सवाल है तो आपके सब दूर हो जाएंगे और क्लियर हो जाएगा कि जब मेरी RD मैच्योर होगी तो मेरे को जो है कितने रुपए इसके द्वारा मिलने वाले हैं और इसमें जो है मेरा कितना रुपए डिपॉजिट होगा। तो आप इस पेज के द्वारा आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। फिर हमारे को तो अपना स्टेटमेंट देखने के लिए कि मेरी RD के पैसे कब कब कट हो रहे हैं मेरे अकाउंट से, तो वो देखने के लिए आपको क्या करना, इसी पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर देना है और जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे तो आप देख सकते हो कि वो ऑप्शन आ गया ट्रांजेक्शन डिटेल। तो आप ट्रांजेक्शन डिटेल में देख सकते हो कि मेरे जो पैसे कटे हुए हैं वो मेरा हर महीना, अगर मेरी हर महीना RD के पैसे कटते हैं मेरे अकाउंट से तो वो डिटेल है। अगर आपको पर्टिकुलर एक महीना, दो महीना, तीन महीना, छः महीना या बाई डेट कोई ट्रांजेक्शन आपको देखना है तो प्लीज़ सेलेक्ट में आप जाके अपने 10 ट्रांजेक्शन लास्ट के या एक महीने का, तीन महीने का, छः महीने का स्टेटमेंट भी आप देख सकते हो। अगर आपके मन में कोई शंका या सवाल है कि मेरे को तो बाई डेट जैसे मेरे का RD का ट्रांजेक्शन देखना है, तो सबसे नीचे जो बाई डेट का ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करके भी आप अपना ट्रांजेक्शन डिटेल देख सकते हो।
और तो इस तरह से आप देख सकते हो कि मेरी आरडी में अब तक कितने रुपए डिपॉजिट हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि मेरी आरडी ऐसा तो नहीं है कि कोई मेरा जो है आरडी का जो पैसा कहीं मिस हो गया हो या मेरे अकाउंट से तो कट गया हो, मेरी आरडी अकाउंट में शो नहीं कर रहा है। तो इसको देखने के बाद आपके पूरे शंका और सवाल जो है दूर हो जाएंगे। इसके बाद में आपको अपनी आरडी का पूरा स्टेटमेंट, अगर मान लो कि मेरे मन में एक सवाल हो कि मेरे कितने जो रुपए जमा हुए हैं, तो इसके लिए आपको जो तीर वाला एरो दिया हुआ है जहां पर मैंने राउंड सर्किल किया है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। या आपको ये पूरा स्टेटमेंट ईमेल में चाहिए तो इसके आगे जो ऑप्शन है जहां पर मैंने क्लिक किया है, ईमेल का सा एक ऑप्शन बना है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसके ऊपर आपका पूरा स्टेटमेंट जो है ये SBI बैंक भेज देगा, उसके द्वारा भी आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये था मेरा जो है योनो ऐप के द्वारा आरडी का पूरा स्टेटमेंट चेक करने का प्रोसीजर। वीडियो कैसा लगा इसको लाइक शेयर व प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।